अब नेक्स्ट में इस सेशन में जस्ट मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू रिमूविंग ऑल ऑकरेंसेस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स. इस प्रीवियस सेशन में जस्ट डिस्कस किया था हाउ टू रिमूविंग फर्स्ट ऑकरेंस और हाउ टू रिमूविंग लास्ट ऑकरेंस. ठीक है, इस सेशन में जस्ट मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू राइटिंग अ प्रोग्राम टू रिमूव ऑल ऑकरेंस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, इस पर्टिकुलर केस को एक्सप्लेन करने से जस्ट पहले मैं आपको लॉजिक इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा बाई बेस्ड ऑन गिवन एग्जाम्पल स्ट्रिंग. देन डिस्कस करें हाउ टू राइटिंग सोर्स कोड. फॉर एग्जाम्पल्स, सपोज दैट वी आर हैविंग सम स्ट्रिंग एज कविलास. तो कविलास के रिस्पेक्ट में जस्ट मैंने कैरेक्टर्स यूज किया जाए के ए वी आई एल. इस केस में जस्ट ए को टू टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ, डबल ए एस एच. देन लास्ट प्लेस पर क्या रहेगा, ऑलवेज नल. दिस इज द सम इनपुट स्ट्रिंग. इसे इनपुट स्ट्रिंग में से मुझे रिमूव क्या कराना है, कैरेक्टर ए. कैरेक्टर ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ए टोटली कितनी बार रिपीट हुआ है इस केस में, थ्री टाइम्स. तो ए के टोटल कितने ऑकरेंस रिमूव होंगे, थ्री ऑकरेंस. करेंटली अगर इसे स्ट्रिंग की लेंथ की बात करें तो इसे स्ट्रिंग का करेंटली लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. करेंट लेंथ क्या है, 9. तो टोटल इसमें से कितने कैरेक्टर रिमूव होंगे, ए ए ए, थ्री टाइम्स. थ्री कैरेक्टर रिमूव होंगे तो इसका लेंथ जस्ट सब्ट्रैक्ट कितने से हो जाएगा, थ्री से. वो ऑपरेशन है अप्लाई होने के बाद स्ट्रिंग का, सेम स्ट्रिंग का ओरिजिनल लेंथ क्या बचेगा, सिक्स. वन मोर थिंग्स, इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8. इसे ऑपरेशन भी कैसा, ऑलमोस्ट सिमिलर टू रिमूविंग फर्स्ट ऑकरेंस. इसके इसमें छोटे से थोड़े से अपडेशन करना है बस आपको. मीन्स सबसे पहले इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को विजिट करने के लिए आपका सवील क्या हो, स्ट्रिंग एड्रेस एच एस प्लस इटरेटिव वेरिएबल आई. आई के केस में इनिशियलाइजेशन किससे हुआ, आई का जस्ट जीरो. इस केस में जस्ट लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस केस में टू वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, आई एंड जे. जे की जरूरत क्या होगी जस्ट मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स. इनिशियली फर्स्ट केस अगेन आपको अप्लाई किया करना सर्च एंड शिफ्ट ऑपरेशंस, क्योंकि रिमूव फर्स्ट मैंने आपको लॉजिक अप्लाइड किया सर्च एंड शिफ्ट. तो सर्च मीन्स सबसे पहले जो भी गिवन कैरेक्टर है सी एच, इस जिस कैरेक्टर को आप जस्ट रिमूव कराना चाहते हो, तो इसके से रिमूव क्या कराना है मुझे, कैरेक्टर ए और ऑल ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर ए फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के अंदर किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस ऑफ आई से. इसको रिमूव किससे कराना है, जस्ट गिवन कैरेक्टर सी एच. सी एच के सारे सारे ऑकरेंस रिमूव कराने के लिए सबसे पहले सी एच के, सॉरी सी एच को इस स्ट्रिंग के अंदर इसका फर्स्ट ऑकरेंस सर्च करेंगे. फर्स्ट ऑकरेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट सबसे पहले फर्स्ट ऑकरेंस किस इंडेक्स में अवेलेबल है, इंडेक्स वैल्यू 1. इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इज 0. मीन्स सबसे पहले अप्लाई क्या करेंगे, सर्च ऑपरेशन. मीन्स अगेन मैं डायरेक्टली इसके लिए कोड राइट कर रहा हूँ, void remove all. जस्ट परफॉर्म क्या कराना, रिमूविंग ऑल ऑकरेंसेस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर. देन रिक्वायर्ड क्या होगा इस केस में, कैरेक्टर पॉइंटर एस प्लस जिस कैरेक्टर को रिमूव करना हो कैरेक्टर सप्लाई करेंगे एज अ सेकेंड आर्गुमेंट. तो सबसे पहले प्रोवाइड क्या करेंगे इस केस में, वेरिएबल डिक्लेरेशंस. इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जस्ट टू वेरिएबल डिक्लेरेशंस रिक्वायर्ड होंगे, आई एंड जी. जी का जस्ट पर्पज क्या है मैं बाद में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट वन, फर्स्ट रिक्वायर्ड केस क्या है, सर्चिंग फर्स्ट ऑकरेंस. अगर मुझे वेरिएबल सी एच का फर्स्ट ऑकरेंस इस प्लेस पर सर्च कराना है तो इसके लिए इम्प्लीमेंट क्या करेंगे, सम लूपिंग स्टेटमेंट. लूप के केस में आई का इनिशियलाइजेशन किसे कराएंगे, जीरो से. कब तक सर्च कराना है, या तो जब तक एस ऑफ आई नल नहीं हो जाता या फिर जब तक कैरेक्टर फाउंड नहीं हो जाता है. मीन्स एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल इज सिमिलर टू जस्ट एस ऑफ आई एंड फाइल सी एच नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई. मीन्स जस्ट टू कंडीशन रिक्वायर्ड होंगे. जस्ट ये कंडीशन मैं प्रीवियस केस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको. देन एवरी टाइम आई प्लस प्लस इन क्लोजिंग दिस लूप. जस्ट जब इस लूप का एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुआ तो इस लूप के अकॉर्डिंग जस्ट इटेशन में परफॉर्म किया हुआ. फर्स्ट टाइम इनिशियल आई का इनिशियलाइजेशन किससे हो रहा है, जीरो से. तो एस ऑफ जीरो के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, एस ऑफ जीरो का वैल्यू विच इज कैरेक्टर के. और के का आस्क वैल्यू क्या, जीरो और नॉन जीरो. नॉन जीरो मीन्स के इटसेल्फ क्या, कंडीशन इज ट्रू. फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, देन सेकंड कंडीशन टेस्ट कराएंगे. सेकंड कंडीशन में सी एच के प्लेस पर सी एच का करंट वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ए नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई और आई वैल्यू क्या है, जीरो. एस ऑफ जीरो में करंटली क्या स्टोर है, कैरेक्टर
के। तो फाइनली ए मैच किससे हुआ, कैरेक्टर के से, कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, दोनों ही कंडीशन ट्रू है। देन बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट, बॉडी कैसा है एम्प्टी, देन आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम वन। देन अगेन फिर से कंडीशन टेस्ट होगा, तो नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट होगा तो अगेन एस ऑफ आई मीन्स आई वैल्यू वन, एस ऑफ वन में क्या स्टोर है के, तो इस प्लेस पर क्या रहेगा जस्ट के मीन्स कंडीशन इज ट्रू। एंड सेम के सी एच के वैल्यू से मैच होगा, सॉरी एस ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है वन, और एस ऑफ वन में क्या कैरेक्टर ए नॉट अ के, क्या इस प्लेस पर जस्ट ए। सी एच का वैल्यू भी क्या है ऑल्सो ए, सेकेंड फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकेंड कंडीशन टेस्ट होगा नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ वन, और एस ऑफ वन में भी क्या स्टोर है ऑल्सो ए, सेकेंड कंडीशन कैसा है फॉल्स। जैसे इस लूप में सेकेंड कंडीशन फॉल्स होगा तो एंड के किस में ऑपोजिट रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, फॉल्स, फॉल्स है देन आउटसाइड दिस लूप, मींस इस लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। एग्जीक्यूशन स्टॉप होने की जस्ट बाद आपको परफॉर्म क्या कराना है, शिफ्ट ऑपरेशंस। लेकिन शिफ्टिंग के केस में आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट टाइम शिफ्टिंग जब कराओगे तो फर्स्ट केस में वन के प्लेस पर मीन्स वन, इंडेक्स वन में क्या कॉपी हो जाएगा इंडेक्स टू का एलिमेंट, और इंडेक्स टू में क्या कॉपी हो जाएगा इंडेक्स थ्री का एलिमेंट। देन नेक्स्ट टाइम इंडेक्स फोर का एलिमेंट किस प्लेस पर कॉपी हो, इंडेक्स थ्री में आसान क्या कराएंगे इंडेक्स फोर का एलिमेंट, लेकिन इसके जस्ट बाद इंडेक्स फाइव का एलिमेंट कॉपी किस प्लेस पर होगा इंडेक्स फोर में, तो इंडेक्स फोर में जैसे इंडेक्स फाइव का एलिमेंट कॉपी करेंगे और इंडेक्स फाइव में इट्सेल्फ फाउंड क्या हो रहा है कैरेक्टर ए, कैरेक्टर ए इट्सेल्फ फाउंड हो रहा है, देन ए के केस में आपको कोई भी शिफ्टिंग कराने की जरूरत है क्या, नहीं, क्लियर, क्योंकि ए इट्सेल्फ आपको रिप्लेस कराना है, रिप्लेस किससे कराना है अगेन, ए किससे रिप्लेस होगा नेक्स्ट ए से, तो नेक्स्ट ए के केस में फिर से आपको स्किप करने की जरूरत है अगेन। तो इस टाइप से ऑपरेशन टेस्ट करने के लिए मीन्स नेक्स्ट टाइम फोर से फाइव तक तो सक्सेसफुली कॉपी हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगेन जब फिफ्थ ऑपरेशन तक जब ऑपरेशन कॉपी होंगे तो वन इंडेक्स में क्या आ चुका होगा इंडेक्स टू, सॉरी इंडेक्स टू का एलिमेंट, इंडेक्स टू में क्या वी, तो स्पेस पर क्या है के ऑलरेडी है, देन वी कॉपी हो चुका है, और वी के प्लेस पर कॉपी क्या हो चुका है आई, क्योंकि थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी कहाँ हुआ सेकंड इंडेक्स में। देन नेक्स्ट टाइम फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट थर्ड इंडेक्स में आसान हुआ हो तो स्पेस पर क्या चुका है एल, देन फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स में आसान हुआ तो फोर्थ इंडेक्स क्या है स्पेस पर फाउंड क्या हो रहा है एल, और एल किस से रिप्लेस हो चुका है ए से। नेक्स्ट टाइम फाइनली आई वैल्यू क्या हो चुका है इस केस में, आई का रिसेंट वैल्यू क्या है फोर, इन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू क्या हो चुका है जस्ट फोर आफ्टर शिफ्ट ऑपरेशन। लेकिन शिफ्टिंग के केस में जैसे ही आई का वैल्यू फोर होगा नेक्स्ट टाइम अगेन आपको ए को रिप्लेस कराने की जरूरत है, लेकिन ए को रिप्लेस कराओगे ए इट सेल्फ रिप्लेस कराना सेकेंड ऑक्रेंस या थर्ड ऑक्रेंस, क्योंकि सारे के सारे ऑक्रेंस रिप्लेस कराना, देन नेक्स्ट टाइम अगेन आई में कोई इंक्रीमेंट न करके नेक्स्ट टाइम जस्ट अगेन असाइनमेंट किस इंडेक्स में कराना है, प्रीवियस केस में फोर्थ इंडेक्स में हुआ था अगेन फोर्थ इंडेक्स, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स में जस्ट फोर के बाद वाले एलिमेंट को कॉपी कराओगे तो बाद वाले एलिमेंट क्या है फाइव, फाइव इंडेक्स का एलिमेंट ऑलरेडी कॉपी हो चुका, तो नेक्स्ट टाइम फाइव इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी होगा और सिक्स इंडेक्स क्योंकि ये एलिमेंट ऑलरेडी असाइन हो चुका है, क्लियर। नेक्स्ट टाइम फोर्थ इंडेक्स में कॉपी किया सिक्स, और सिक्स इंडेक्स में हुआ देन अभी भी आई का वैल्यू क्या है फोर, लेकिन इस केस में जस्ट चेक कर सकते हो, इस केस में प्रीवियस केसेस में देखा जाए तो एवरी टाइम इस केस में एलिमेंट और जिसमें असाइनमेंट के एंड में डिफरेंसेस कितने का जस्ट वन का, लेकिन इस केस में जिस एलिमेंट को असाइन कर रहा है और जिस प्लेस पर असाइन कर रहा है इन दोनों के इंडेक्सेस में डिफरेंस कितने का वन का है टू का डिफरेंस, मीन्स फर्स्ट टाइम डिफरेंस कितने का था वन का, सेकेंड टाइम डिफरेंस कितने का है टू का, क्लियर। देन फोर्थ प्लेस पर जब सिक्स प्लेस का एलिमेंट कॉपी हो जाए तो अगेन इस प्लेस पर क्या कॉपी होगा सिक्स इंडेक्स में भी क्या ऑल्सो हुए, तो नेक्स्ट टाइम अगेन पहले एल किससे रिप्लेस हुआ ए से, नेक्स्ट टाइम ए इटसेल्फ किससे रिप्लेस हो रहा है नेक्स्ट ए से, तो अगेन इस प्लेस पर क्या फाउंड हो रहा है ए इटसेल्फ, क्लियर। देन नेक्स्ट टाइम इसके जस्ट बाद अब इस प्लेस पर ये आ चुका तो ए को फिर से रिप्लेस कराना है, लेकिन अब ए को रिप्लेस किससे कराना है नेक्स्ट एलिमेंट से सेवेंथ, नेक्स्ट टाइम ए किससे रिप्लेस हुआ फाइनली एस, और इस केस में ए का इंडेक्स आई का इंडेक्स अभी क्या है फोर, लेकिन इस प्लेस पर क्या है सेवन, नेक्स्ट टाइम फोर्थ इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट साइन होगा सेवन्थ इंडेक्स का एलिमेंट, और इस केस में भी चेक कर सकते हो इस केस में इंडेक्सेस में डिफरेंस कितने का है थ्री का, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन आई में प्लस प्लस करेंगे, अब इस प्लेस पर क्या है एस, तो फाइनली इस प्लेस पर क्या चुका है एस, एस आने के बाद देन आई में इंक्रीमेंट कराओ आई का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइव, तो नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट किसमें होगा फिफ्थ इंडेक्स में, फिफ्थ इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट असाइन कराना है एस, ऑलरेडी असाइन हो चुका है देन एच,
और h का इंडेक्स क्या है 8, तो नेक्स्ट टाइम 8th इंडेक्स का एलिमेंट असाइन कराओगे, मींस यहां डिफरेंस एग्जैक्टली फिक्स्ड में नहीं जुड़ा, 2 3 4 5 6 7 8 इस रेगुलर इंटरवल क्या है इसमें ऑलवेज 1, लेकिन इस केस में इंटरवल फिक्स है चेंजेबल चेंजेबल, तो इसे इंटरवल को मैनेज करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल के लिए इंपार्ट किया था एज अ जे, तो फर्स्ट टाइम जे का इनिशियल भी फर्स्ट टाइम आपको डिफरेंस कितने का रिक्वायर्ड है 1 का, तो इसलिए जे का वैल्यू क्या रखोगे 1, नेक्स्ट टाइम डिफरेंस कितना रिक्वायर्ड है 2, तो जे में इंक्रीमेंट कराओ तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, नेक्स्ट टाइम डिफरेंस कितने का 3 का, तो अगेन जे में इंक्रीमेंट कराओगे जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो जे में कितनी बार इंक्रीमेंट होगा डिपेंड करेगा रिक्वायर्ड कैरेक्टर मैचिंग कैरेक्टर या सी एच कितनी बार मैच हो रहा, मीन्स जब भी सी एच का वैल्यू एस ऑफ आई से मैच होगा तो एवरी टाइम इंक्रीमेंट किस में कराओगे जे में, तो जे में इंक्रीमेंट होने के लिए कंडीशन क्या है दैट वन इफ वैल्यू ऑफ एस ऑफ आई, मीन्स पहले असाइनमेंट कराया देन कंपेरिजन, असाइनमेंट के बाद एस ऑफ आई का वैल्यू सी एच से अगेन मैच कराओगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन इंक्रीमेंट किस में कराएंगे जे में, नाउ जे प्लस प्लस, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है चेक कर सकते हो, यहाँ जब जे में इंक्रीमेंट हुआ तो ये कि आई की ओल्ड वैल्यू 4 थी तो अभी भी आई का वैल्यू क्या है स्टिल 4, तो आई में कोई इंक्रीमेंट हुआ है क्या नहीं, नेक्स्ट टाइम जे में अगेन इंक्रीमेंट होगा तो जे का वैल्यू क्या हो जाए 3, तो अगेन आई में कोई इंक्रीमेंट हुआ है क्या नहीं, क्योंकि तीनों ही केसेस में आई वैल्यू क्या सेम, मीन से या तो एट ए टाइम आप जे में इंक्रीमेंट कराओ या फिर आई में इंक्रीमेंट कराओ, तो इस केस में एल्स पार्ट में क्या प्रोवाइड करें एल्स आई प्लस प्लस, क्लियर, दिस इज द एक्चुअल ऑपरेशंस। फाइनली इस कोड को राइट करने के लिए जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे, मीन्स अभी गिवन लूप से परफॉर्म क्या हो रहा है सर्च ऑपरेशन, जैसे ही गिवन कैरेक्टर मैच होता है, वन मोर थिंग व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ जे, जे का इनिशियल वैल्यू क्या रखना होगा आपको 0 या 1, 1, क्लियर, नेक्स्ट टाइम अगेन लूप इंप्लीमेंट करें, इस सेकेंड लूप के थ्रू परफॉर्म क्या हो रहा है शिफ्ट ऑपरेशन, वन मोर थिंग्स पहले आपको टेस्ट करना होगा शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, हो सकता है सर्चिंग कैरेक्टर एक ही बार फाउंड ना हो रहा हो, तो उस केस में एस ऑफ आई वैल्यू क्या हो चुका हुआ जस्ट नल, तो इस केस में इफ कंडीशन टेस्ट करेंगे इफ एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल, अगर एस ऑफ आई का वैल्यू अभी तक नल नहीं हुआ है देन आपको शिफ्टिंग करने की जरूरत है, देन इस केस में शिफ्टिंग कराने के लिए लूप राइट करेंगे इनसाइड बॉडी ऑफ इफ, और लूप के अंदर जे का कैसे इनिशियलाइजेशन कराओगे, जे का इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगे 1 एवरी टाइम, प्रीवियस केस में आपको याद हो जस्ट मैंने प्रोवाइड क्या किया था एस ऑफ आई इक्वल्स टू एस ऑफ आई प्लस 1 इन प्रीवियस एग्जांपल, देन आई प्लस प्लस समथिंग, वन मोर थिंग आई प्लस प्लस, देन नेक्स्ट केस मैं इस प्लेस पर कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अभी मैंने प्रोवाइड नहीं किया, इस पर्टिकुलर केस में अगर आई प्लस 1 कर दिया तो एवरी टाइम डिफरेंस कितने का आएगा 1 का, लेकिन आपको एवरी टाइम डिफरेंस 1 का रिकॉर्ड में से इस केस में डिफरेंस कितने का है 1 का, इन दोनों केसेस में 1 2 और 3 में भी कितने का डिफरेंस है 1 का, 3 और 4 में भी डिफरेंस कितने का 1 का, 4 और 5 में डिफरेंस कितने का 1 का, लेकिन 4 और 6 में डिफरेंस कितने का 1 का या 2 का, 2 का, 4 और 7 में 3 का, अगेन 3 का, तो इस केस में मेंटेन क्या करोगे जे प्लस प्लस, तो यहाँ जब 1 का डिफरेंस रिक्वायर्ड होगा तो स्पेस पर रिप्लेस क्या करें जे का वैल्यू, फर्स्ट टाइम जे का वैल्यू क्या था 1 का, तो जे का वैल्यू मीन्स यहाँ इंक्रीमेंट एवरी टाइम कितने हो रहा है 1 से, नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा जस्ट जब जे का जे में इंक्रीमेंट हो चुका हो कहीं ना कहीं ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है, तो कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इस लूप के अंदर अगेन प्रोवाइड क्या करेंगे इफ कंडीशन इनसाइड बॉडी ऑफ दिस लूप, इस लूप के अंदर जस्ट राइट डाउन क्या करेंगे इफ वैल्यू ऑफ एस ऑफ आई इज इक्वल इक्वल टू सी एच, अगर एस ऑफ आई का वैल्यू सी एच से मैच हो रहा है देन इंक्रीमेंट किस में होगा जे में, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है देन एल्स, और एल्स ब्लॉक के अंदर इंक्रीमेंट किस में कराओगे जस्ट आई बिकम्स आई प्लस प्लस, देन फाइनली क्लोजिंग दिस फॉर लूप क्लोजिंग दिस इफ कंडीशन एंड क्लोजिंग रिमूव ऑल फंक्शंस, इस पर्टिकुलर लॉजिक्स के थ्रू गिवन कैरेक्टर के ऑल ऑकरेंसेस रिमूव करना पॉसिबल है जस्ट, अगर आप टेस्ट करना चाहें उसको टेस्ट कर सकते हो फॉर सेम इनपुट स्ट्रिंग्स फॉर एवरी केस, मीन्स ये पर्टिकुलर लॉजिक सभी केसेस में वर्क करेंगे।